अलैकुम, मेरा नाम शुएब कुरैशी है जी। मैं फ़ाउंडर हूँ एंटी कार म्यूज़ियम का। आज हम यहाँ पे अपना पहला एनुअल शो कर रहे हैं। म्यूज़ियम हमारा लास्ट ईयर ही लॉन्च हुआ था, आपको भी उस टाइम ही थी। तो अभी फर्स्ट एनुअल शो है हमारा, जिसमें कराची की सारी एंटी कार्स मौजूद हैं। द बेस्ट ऑफ कराचीज है। द यंगेस्ट कार दैट वी हैव हियर इज ऑलमोस्ट 35 ईयर्स ओल्ड एंड द ओल्डेस्ट कार इज 99 ईयर्स ओल्ड। 99 ईयर्स ओल्ड जी। जैसे 99 ईयर लीज होता है वैसे कुछ। लेकिन मेन चीज़ कहते हैं एंटी कार्स का पर्पज़ ये है कि लोग क्योंकि यूथ को दिखाना पॉइंट क्या है कि ये इट्स पार्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर। ये हमारे यहाँ म्यूजिक और क्रिकेट सिर्फ ये दो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बहुत कुछ और है, दुनिया भर में होता है। इट्स बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। यूथ को इस तरह की हॉबीज़ में एंगेज होना चाहिए। इसका पैसे से कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे आप फॉक्सी पकड़ें, फिएट पकड़ें, मिनी पकड़ें या कोई और चीज़ पकड़ें, कहीं से भी आप शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता आप बेहतरी करते चले जाते हैं। आई एम श्योर द 35 ईयर ओल्ड मस्ट बी अ वॉक्सवैगन और समथिंग। जी जी बिल्कुल, वॉक्सवैगन तो नहीं है, और बहुत तरह की गाड़ियाँ वहाँ पर मौजूद है सारी। तो लेकिन हेल्दी चीज़ है, एंगेज करना चाहिए इसमें ताकि गलत तरह की एक्टिविटी से वो दूर हो। मैं खुद आज जो है तीन गाड़ियाँ अपनी लाया हूँ यहाँ। ओके, विच वंस? चले गाड़ियों से इंट्रोडक्शन करवाएं, जैसे लाइक दे हैव अ पर्सनालिटी, राइट? जी जी बिल्कुल, सो आई हैव ब्रॉट थ्री ऑफ माय कार्स। द फर्स्ट वन इज अ 1965 फोर्ड मस्टैंग। फोर्ड मस्टैंग, आई सी अ मस्टैंग ओवर देयर, उस पे बना होता है। हां बिल्कुल, कन्वर्टिबल गाड़ी है ये, तो आइकॉनिक वर्ल्ड फेमस कार है। बिल्कुल जबरदस्त। दैट्स द फर्स्ट वन दैट आई हैव ब्रॉट। ओके, this is the 1965 Ford Mustang. Ford Mustang. Okay, this is the second one is also yours. The second one is this, it's a 1956 Vanden Plas Princess limousine. 1956 Vanden Plas Princess limousine. Okay, Vanden Plas. Okay, iski history ye hai ki ye gaadi Pakistan, this was a British embassy car. Okay, this came in Pakistan for the British ambassador. Okay. और सिविक ड्यूटीज़ में इसमें काफ़ी हेड ऑफ स्टेट्स में बैठे हुए हैं सारी ये चीज़ें। अच्छा। इस गाड़ी की एक और जो बड़ी फेमस बात है, इसका नाम जो प्रिंसेस है वो इसलिए कि जब ये गाड़ी बनाई गई थी ना, क्वीन एलिजाबेथ खुद प्रिंसेस होती थी। ओह। तो ये गाड़ी बनाई उनकी बैजिंग से थी, और जो पहली दो गाड़ियाँ प्रोडक्शन लाइन से निकली थी ना, वो क्वीन एलिजाबेथ ने खुद ली थी। अच्छा। रॉयल ड्यूटीज़ में उन्होंने उनका यह था कि यार हमारी अपनी गाड़ी होनी चाहिए जो अपनी वहीं की बनी हुई हो। तो फिर उन्होंने बिल्कुल इसी तरह से, और ये बिल्कुल ये रोल्स रॉयस और बेंटली के मॉडल पर बनी हुई है सारी, टोटल लग्जरी कार। वंडरफुल। इसके अंदर जो इंजीनियरिंग है सारी वही ब्रिटिश मोटरिंग की है सारी, लेकिन इट्स कॉल्ड अ वैंडन प्लस प्रिंसेस म्यूजिक। ओके। थर्ड कार दैट आई ब्रॉट इज अ 1962 कैडिलैक फ्लीटवुड, क्योंकि ये भी गुड ओल्ड टाइम्स की हैं। अगर आप एलविस प्रेसली के टाइम्स जानते हैं तो। ओके, व्हाट डिड यू कॉल इट? कैडिलैक? कैडिलैक फ्लीटवुड। फ्लीट? फ्लीटवुड। फ्लीटवुड। हां, तो 1962 है एंड लॉन्ग, मतलब इसके फिन्स बड़े मशहूर हुआ करते थे अपने जमाने के। पीछे तो फिन्स है भाई। पीछे खूबसूरती है इसकी, जो पीछे जाके देखना आप चाहें तो। सो दिस द थ्री आई हैव ब्रॉट टुडे। वंडरफुल फॉर दिस पर्टिकुलर शो। एक्सीलेंट। ओ वाओ। So are people asking you to open the cars and they want to sit inside? Is that also happening? वो असल में कंट्रोल करते हैं हम, थोड़े कितने लोग इतने आते हैं सबके साथ। हाँ, नहीं कर सकते, मगर लोग तो कर रहे होंगे, बच्चे खास तौर पे। वो देखें किसी की अपनी फैमिली कुछ आती है, वो कर लेते हैं, से देख लेते हैं। हाँ। ये होता है बिल्कुल, रिक्वेस्ट आती हैं बहुत। हाँ। और लेकिन अच्छी अच्छी चीज़ें आई हैं, मज़ा आ रहा है पूरा कराची। आई थिंक ऑल द टॉप कार कलेक्टर्स ऑफ कराची आर हियर टुडे, ठीक है, अपनी गाड़ियाँ लेके हैं, एवरीवन इज पार्टिसिपेटिंग। ओके, चीज़ें होनी चाहिए, चीज़ें वैसे ही कम होगी पोस्ट कोविड, हम निकले हैं। हाँ। बड़े शोज तो हो नहीं रहे थे। बिल्कुल, बिल्कुल। आई थिंक एवरीवन इज पार्टिसिपेटेड, और इंशाल्लाह अभी क्राउड बढ़ता जाएगा। वी हैड वेरी गुड जेंट्री कमिंग इन द मॉर्निंग, और चीज़ें जितना सब लोग उठते जाएंगे संडे को, चीज़ें और बढ़ते जाएंगी। एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और जो लोग नहीं आ सकते शो पे, बिकॉज इट्स एन ऑनलाइन आइडिया, ऑनलाइन म्यूजियम है, इंस्टाग्राम पेज भी हमारा मौजूद है, वेबसाइट भी मौजूद है, सब चीज़ें वहाँ पे देखी जा सकती हैं। जबरदस्त। हाँ भाई, जो यहाँ नहीं आए वो वहाँ देख लें, बट इन पर्सन यू कैन जस्ट कम एंड सी दीज। लुक एट दिस, दिस फोर्ड, जस्ट लुक एट इट। फोर्ड एलटीडी। फोर्ड एलटीडी। फोर्ड एलटीडी, बड़ी जबरदस्त ये गाड़ी है। या ये पीर मोहम्मद सादिक साहब की है। अच्छा, ठीक है। ये भी, दिस इज अ कैडिलैक। दिस इज अ कैडिलैक। ये भी कन्वर्टिबल। पीर साहब जी, कन्वर्टिबल। या ये 70s की है गाड़ी। ओह वाओ, लुक एट दिस। 67। दिस इज अ क्राइसलर न्यूयॉर्कर। Chrysler New Yorker, it is a beauty. इस शेप की गाड़ी तो मैंने ब्लैक कलर में देखी है, दिस इज द फर्स्ट वन विच इज रेड। ओके, क्राइसलर न्यू यॉर्कर, या दैट्स रिटन ओवर देयर। दिस अगेन इज अ कैडिलैक, इट्स कॉल्ड अ कैडिलैक एल्डोराडो, 70s का मॉडल है। ठीक है, ये तो देखा है। दिस अगेन इज अ कैडिलैक, मतलब कैडिलैक से बड़ी कोई गाड़ी हो नहीं सकती। दीज आर द बिग ब्लॉक इंजन्स ऑफ बिग कार्स। यस यस यस, ये फेमस शेवरले इंपाला। Oh, Chevrolet Impala. Okay. Oh, I love the shape of this one. What is this? We have a pair of Thunderbird. Thunderbird. Do yahan pe Ford Thunderbird bhi side by side do khadi hai. Ji ji. You are the owner? Yes. I see the smile on his face. I'm Robert.
दोनों साथ साथ आती है भाई, एक काफी नहीं थी जो आपने दो ले ली? अपना नाम तो बता दे। इबाद मजहर लारी, ओके जी, ये इनकी है एंड इट इज जस्ट लुक एट इट। कैसे आप इसको इतना मेंटेन करते हैं? रोड पे तो नहीं निकालते होंगे? नहीं नहीं, हर हफ्ते निकलती है, हर हफ्ते निकलती है। जब खाली रोडे हो संडे के दिन, संडे सुबह, और क्या, बेस्ट टाइम टू बी आउट। वो कभी सदर की ट्रैफिक में निकाले ना, या नहीं नहीं गया, क्या कहते हैं, सुबह सुबह। हाँ सुबह, नहीं सुबह सुबह तो है, मगर अगर लाइक एक वो होता है ना कि डर लगता है। मेरी मेरी गाड़ियां गो एवरीवेयर। अच्छा, एवरीवेयर, मगर संडे के दिन सब 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 जगह जाते हैं। ओके, सो दिस इज अदर थंडरबर्ड। मोइन इज द ओनर फॉर दिस वन। ओके, और जो आप क्राइसलर न्यूयॉर्कर पसंद कर रही थी ना, ये दिस इज द ओनर हसन जाफर। ओके, आई नो हसन जाफर, आई एम योर कजन शाजिया। हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? शी स्टॉप्ड एट दैट करके, ये क्या है? ही इज माय कजन, सेकंड कजन, हिज डैड एंड माय डैड आर कजंस, या एंड वी आर ऑल ग्रामेरियंस आल्सो। यस, how's your sister? Aisha. Okay, nice meeting you, yaar. This is Lincoln. He again American president wali jo gaadi hai, this is that car Lincoln. Okay. Moin Abbasi pieces ke owner hain dono unki. Okay. Main soch rahi thi ki ye to Tariq Jafar uncle ki gaadi lag rahi hai, to wo that's my cousin. This is a Rolls Royce convertible. Wow. This again is a very rare car. 1938. My God. और ये इतना छोटी क्यों रहेगी? खाना कम खिलाया था इनको? ये है ब्रिटिश की छोटी मशहूर है, एमजी खिलाती हैं। हां, एमजी, एमजी टीडी इनका नाम है। एमजी टीडी एंड व्हाट्स दिस? दे बोथ देयर पे। ओह, दे लुक डिफरेंट, दे आर द सेम। थोड़ा सा ग्रेलिंग साल फर्क होगा, थोड़ा बहुत। अच्छा, ये 1950, वो भी 1950 है, बट फिर भी कुछ है, थोड़ा बहुत बस चीजें तरह से उतर स्टाइलिंग में मारी। अच्छा, यहां आ जाएं, दिस इज अ वेरी फेमस विलियम्स जीप, 1942 की है। ओके, जीप है यार, आई लव जीप्स। ओह, एंड लुक एट दिस मिनी। लेकिन ये वो मिनी नहीं, अगर आप साइड पे देखेंगे ना, इसमें इट्स कॉल्ड अ कंट्री मैन। इसका दरवाजा उल्टा होता था ना, लंबी है थोड़ी। अच्छा, ये लंबी है, वर्क है जबरदस्त है। ओह, इसका तो डोर भी ठीक ही है। मैं समझ रही हूं ना, जो पीछे थंडरबर्ड आप देख रहे हैं, इनकी गाड़ी। आपकी गाड़ियां सारी ग्रीन की होती है, ग्रीन की होती है, और आपकी शर्ट भी ग्रीन है। आपने मेरा शायद किया था इंटरव्यू 4 साल पहले, हमेशा ही कर रही होती हूं द होल स्टोरी अबाउट द कार, के 37th बर्थडे पे मैंने ली थी अपनी, एंड माय बर्थडे इज 9th ऑफ मई, सो 9533। अच्छा, उसका नंबर वो था। हां, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हां, 9533 फ्रॉम द अदर साइड। यस, दिस इज अ 55 ट्रायम्फ TR2। ओके, ये भी बड़ी जबरदस्त गाड़ी है भाई, देखें मत आगे स्कोर करते हैं। दिस इज तीन रैली जैगुआर, ये बहुत जबरदस्त आइटम है जैगुआर। सो दिस इज ओन्ड बाय फराज आरिफ, फराज आरिफ इज सन ऑफ आरिफ हबीब साहब। अच्छा, ठीक है, तो उनकी गाड़ी है। ओके, वाओ वाओ, दिस इज अ मर्सिडीज, मर्सिडीज तो मर्सिडीज एस क्लास, 108 सीरीज कहलाती है, बिल्कुल इमरान नसरुल्लाह साहब की गाड़ी है। ओके, ब्यूटीफुल, ये चीज देखते हैं, चले मर्सिडीज वगैरह। बिल्कुल, आपने इतनी अच्छी तरह कैटेगराइज किया है ना, ऑल द कार्स, ऑल द मेक्स आर टुगेदर, ऑल मेक्स आर कवर्ड एंड ऑल काइंड्स ऑफ, एंड वेयर यू कुड पुट देम टुगेदर, दे आर पार्क्ड जी बिल्कुल नेक्स्ट टू ईच अदर। सो वी हैव अ वंडरफुल वॉक्सवैगन, जान है यार वॉक्सवैगन तो, एंग्लिया, फोर्ड एंग्लिया, ये पुराने जमाने की 1960s, एंड इज दिस अ कॉर्टिना, फोर्ड कॉर्टिना जी, लिखा मुझे भी थोड़ा बहुत, अच्छा लिखा भी है कॉर्टिना, माय डैड। अच्छा, ये राजी नहीं है गाड़ी, राजी नहीं को आप जानती हैं, सो दिस इज राजी नहीं है कार, राजी नहीं है, ओह ही गॉट अ कॉर्टिना, फेमस है जैगुआर XJ6, वाओ, ये है मर्सिडीज, ये की है मर्सिडीज, इनके फादर की गाड़ी है जिसने वो टर्की के ट्रिप सारे किए थे। ओह वाओ, वो वाली जैगुआर, और ये फोन, ओह ये इतनी बड़ी फोर्ड, फोर्ड ब्रोंको, फोर्ड ब्रोंको, राजी नहीं है, अब राजी नहीं है कहां भाई, अभी पहुंचने से बाद गाड़ी, टोयोटा जीप, ये अगेन फराज आरिफ की गाड़ी है, ये ओके, इट्स अ, दिस जीप इज फ्रॉम द टॉप, ओह नो इट्स अ ट्रक जी, इट्स अ ट्रक। अच्छा, सामने से तो जीप है, यूं गए तो पता चला ट्रक है, ये कमाल है इसका, वाह भाई, इसी तरह इसको भी आप देखें, ये और ये तो वो, ये बड़ी रेयर गाड़ी है दुनिया भर में, बिल्कुल माइक्रो बस, हां माइक्रो बस, लेकिन ये भी इसका देखें ट्रक है पीछे से। अच्छा, ये भी ट्रक है, ये बस नहीं है भाई, माइक्रो बस ट्रक बन चुका है, ओह पीछे जाए तो पता चलता है, बहुत अच्छा पीस है। ओके, दिस इज अ निसान, निसान जी भाई, डैटसन है जिसको निसान अब हम कहते हैं जी, स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स कार है। अच्छा, ये इतनी पुरानी नहीं है, ये समझे यंगेस्ट कार्स में आएगी, ये यंगेस्ट कार्स में, ओके, ये अगेन यंगेस्ट कार्स में आएगी, ये ओके, डॉज, डॉज टू डोर रोडस्टर मसल कार, ये बड़ी जबरदस्त, इस पे लाइट्स ऐसी क्यों लगी उल्टी तरफ, स्पीकर है, गेजेस हैं, अच्छा गेजेस हैं पूरे उसमें, ये कॉर्वेट है, अमेरिकन मसल कार,
दिस इज अ 1970s कॉर्वेट हां कॉर्वेट शेवरले कैप्रीस ओह शेवरले कैप्रीस 70s 1974 शेवरले 74 की बड़ी रेयर आइटम है कैप्रीस अगर आपको 80s और 90s की नजर आती है हां बिल्कुल ये पुराना आइटम है ओके यहां ये यहां पे कुछ माइक्रो कार्स लगे हुए हैं चलें जी और छोटी-छोटी भी हैं ये भी देख लेते हैं ये देखें जी मिनी इसके लाइनअप है उसका पेंट जिस तरह से होता है कितना चमक रहा है ये ओरिजिनल तो नहीं होता हो सकता ओके ये रैक टॉप है ये सॉफ्ट वुड टॉप ऊपर से खुल जाती है अच्छा ले जी हमें तो अब आदत हुई हुई है जी सनरूफ की मगर ये उस जमाने के लिए वोक्सवैगन बीटल 1962 दिस वाज समथिंग वेरी वेरी स्ट्रेंज एंड डिफरेंट 1963 फिएट एंड दे हैड टू राइड एसी वो नाम है इसका अच्छा वैसे भी एसी लगा है अस्सलाम वालेकुम और ये अकेली क्यों खड़ी है इकलौती गाड़ी आरिफ आशवानी साहब की है अच्छा और इसकी खड़ी आरिफ आशवानी साहब आल्सो ओन्स दिस साइड अच्छा दैट्स व्हाई इट हैज इट्स ओन एनक्लोजर एंड दिस साइड बंद भी हो जाएगी Transam, what is this? No, Pontiac. Pontiac Transam. It is a Transam. जी जी. अच्छा वो लिखा भी है Transam Firebird. बिल्कुल बिल्कुल. Late 70s की ये गाड़ी है. One famous muscle car. Okay, no, ये बचपन में एक program चलता था. जी जी जी. वो Night Rider. Night Rider में इसके बाद वाला model आया था. अच्छा इसके बाद वाला model था भाई Night Rider में. Kit. And this is a BMW. BMW. This is a 635 CSI. Two door. अगर आपने यहाँ side अच्छा अच्छा two door. ये भी बड़ा fame classic है. Again S class. This is one of the very expensive Mercedes in the world. It's called Pagoda. It's a famous name. Pagoda. अच्छा इतनी मुन्नी तो है. हाँ लेकिन SL two seater. जी बिल्कुल बिल्कुल. And is there space for people to sit back पीछे behind? Ideally not. No. अच्छा just for. This is a Porsche 911. Porsche. Classic. It's not a new one. It's a very old model, 1966. अच्छा. मतलब again one of the top antique cars in the world. Wow. इस range में ये चीज आती है. ये फरुख उस्मानी साहब हैं उनकी गाड़ी है. This is a Ford Galaxy, again convertible up, 1965. Ford Galaxy, 1965. This is a 70s Corvette. 70s Corvette. देखे यार भाई जो red है मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है. Muscle ना, full power. ये again Ford Mustang convertible. ये Shiraz Qureshi की दो गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं. Shiraz Qureshi साहब की दो गाड़ियाँ हैं भाई. Ford Mustang है, convertible है और ये तो Mercedes. वही Pagoda. Pagoda, छोटी सी. जबरदस्त हाउ मेनी या आई हैव सीन इट सो मेनी टाइम्स बिल्कुल वो ये वो फेमस गाड़ी है जो आपने खान सुनो किसी कायदे आजम माउंट बेटन बैठे थे इसमें बिल्कुल से बैठ के आए थे लेकिन बिल्कुल सिल्वर बर्ड नवाब ऑफ बालपुर कलेक्शन की गाड़ी हाँ जी बिल्कुल This is a hub mobile. Achha. Because this car originally was owned by the first first IG of West Pakistan. Achha. Qurban Ali Khan ki unki gaadi thi. Oh. Fir unse unki family mein unke bete Anwar Ali Khan ke paas aayi thi. To yahan aa gayi. Ye log baithe to hai Chhabra sahab. Aa jayenge abhi. Ye bhi again very famous car hai. Okay.
ये भी नहीं कि करीम साहब की एम जी ओके एम जी ए क्लासेस ओके दिस मस्टैंग ये फोर्ड मस्टैंग ये भी फोर्ड मस्टैंग मर्सिडीज अब ये लियाकत मलिक साहब की गाड़ियां खड़ी हुई यहां पे दिस इज अ मर्सिडीज एसएल एसएल मर्सिडीज एसएल जी जी बाप है अच्छा इनका बाप है दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मर्सिडीज इसके बड़ी मर्सिडीज से वो गलबैंग वाली होती है और कुछ नहीं है दिस इज द अल्टीमेट क्या होती है इससे बड़ी गलबैंग मर्सिडीज गलबैंग इसके दरवाजे ऐसे अच्छा गल हां यूं खुलते हैं वो सबसे महंगी है उसके बाद नेक्स्ट ये ओह दिस इज द ओनली वन हियर इन पाकिस्तान एक और है वैसे क्या होगी इसकी कीमत वैसे अभी देखिए अभी तो पाकिस्तान की जो करेंसी का हाल है उसमें तो पता नहीं क्या हो गई होगी हाँ करोड़ों में तो हाँ, कितने करोड़ ये गाड़ी होगी मैं साले मेरे हिसाब से 5 करोड़ पाँच करोड़ तो है चलिए ठीक है ये अगेन एम जी ओह ठीक है एम जी टी डी दिस लुक्स लाइक अ बगी दिस इज अगेन ऑस्टिन मिनी मोक ये बड़ा जबरदस्त आइटम है 1962 का ये तो वो गोल्फ कार्ट लग रही है अच्छा मिनी मोक ये बीएमडब्ल्यू बीएमडब्ल्यू है बड़ा फेमस मॉडल है बीएमडब्ल्यू का लेकिन ये टू डोर कन्वर्टिबल है खास बात है सही दिस इज अ ब्यूक ओ ठीक है ब्यूक रिवेरा ब्यूक शेवरले लुक एट द पेंट ये अगेन शेवरले बेलेयर शेवरले बेलेयर और मर्सिडीज ये मर्सिडीज है यहां पे यहां से 1969 मैं जा रहा हूं ओके देयर इज अनदर एसएल बीटल मर्सिडीज एसएल Beetle just it is black but look at the black beautiful look at the brilliance in the paint job convertible SL again convertible SL पाशवानी साहब की गाड़ी है सारी अच्छा सारी उनको मर्सिडीज बड़ी पसंद है लगता है दिस इज अ वॉक्सवैगन कारमन गिया ये बड़ा रेयर मॉडल है वॉक्सवैगन टू डोर स्पोर्ट्स रोस्टर है ये जैगुआर ई टाइप मतलब हां ई टाइप जैगुआर जो वर्ल्ड्स टॉप 10 कार है ये 60s की है कब की है बहुत पुरानी जी जी बिल्कुल इट्स एज ओल्ड एज दैट ये आरएफ पाशवानी साहब की है पाशवानी फैमिली दिस इज अ Again a 50s Corvette. Oof, look at the grill. Altaf Ashwani saab ki, so from the Ashwani family. ये लो आधा इधर मेरे ऊपर रखो रोल्स रॉयस 1948 रोल्स रॉयस बड़ी हिस्टोरिक है इसकी स्टोरी है कि ये 1948 में क्वीन एलिजाबेथ का पाकिस्तान का ट्रिप था अच्छा हां तो उसके लिए यहां भिजवाई गई थी पाकिस्तान अच्छा लेकिन वेदर खराब हो गया तो वो ट्रिप नहीं कर सकी थी अपना फिर ये ब्रिटिश एंबेसी को दे दी गई थी अच्छा ठीक है तो इस तरह से ये थी लेकिन क्वीन एलिजाबेथ अच्छा क्यों नहीं आ सकी थी मैंने वेदर खराब हो गया था कुछ हो गया था मौसम की वजह से मुझे नहीं पता उस टाइम पे कुछ और रीजन तो इसमें नहीं बैठी हूं नहीं इधर नहीं वहां तो थी उनके पास अच्छा उनके लिए गाड़ी यहां भेजी गई थी जिसमें वो ट्रैवल करेंगे अच्छा फिर ये यहीं रही अच्छा देन एंबेसी के पास आ गई एम्बेसी से निकली तो इनके पास ओह वाओ लेकिन वेरी नाइस स्टोरी हां दिस इज अ कार दैट यू विल नॉट सी एट एनी शो ये खास हमारे शो के लिए निकल के आई है हमारे एंटी कार म्यूजियम पे भी ये मौजूद है अच्छा इट्स अ 1926 रेनॉ या फ्रेंच कार मेकर ठीक है और ये नवाब ऑफ बहावलपुर कलेक्शन की गाड़ी है अच्छा उन्हीं उधर से ही आई है और ये उस जमाने की ना 1925 ये फास्टेस्ट कार हुआ करती थी गाड़ियां सारी इसी तरह की होती थी लेकिन ये स्पोर्ट्स कार थी एक्चुअली ओके इसके व्हील्स तो देखो नहीं इट्स अ वेरी फास्ट कार एंड अ वेरी वेरी ग्लोबली वेरी रेयर कार वाओ इट्स ओन्ड इन द मक्सी फैमिली या बट लुक एट द व्हील्स एंड लुक एट द डोर हैंडल्स दिस इज अ 1920 पैकर्ड ये मोहसिन इकराम साहब की ओह मोहसिन तो यहाँ के मुझे दिखे थे शुरू में जब आए थे बिल्कुल एवरीवन इज हियर ऑल द कार ओके ओके वाओ शाजिया ये रे मैं बोलूं मैं बोली तो मोहसिन तो भी मुझे दिखे थे कहीं पे ये आप ही की गाड़ी को एडमायर कर रहे हैं बहुत कम एडमायर किया आपने आप फौरन चल पड़ी आगे नहीं नहीं मैं जैसे इसने कहा ना ये मोहसिन की ये गाड़ी तो आप चल पड़ी आगे नहीं नहीं मैं तो सारी की ऐसे ही बना रही थी ना हाउ विल आई कवर इट अदरवाइज क्या क्या लाए हैं इस दफा बस यही लाए एक बाइक लाए वो खड़ी है बाइक लेकर आए हैं खुद चला के कौन सी आप खुद चला के लाए बाइक चला के लाए और उसको धक्का लगा के लाए ड्राइवर है अच्छा और मोहसिन क्या ख्याल है आपका इसके शो के बारे में या फैंटास्टिक शो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इस शो से बेहतर जो इनिशिएटिव है जो ऑनलाइन एंटीक म्यूजियम खोले क्योंकि इससे पूरी दुनिया को पता चलता है कि जी पाकिस्तान में ये कुछ है और आजकल तो जो असल ऑडियंस है वो ऑनलाइन है अच्छा बड़े उसमें ख्याल से रखा है बट पीपल यू नो दे कम हियर दे लाइक टू सी हैव द पिक्चर्स टेकन विद द कार्स तो अभी थोड़ा कुछ होने वाला है लोग अभी जिद करके कूदेंगे अंदर अच्छा आप बिठा रहे हैं आपका दिल बहुत बड़ा है सबका नहीं होता है कितनी लाइक नहीं मगर ओ माई गॉड आपकी जान होती है इसमें ऐसी गाड़ी नहीं है आज मशहूर है कि मैं आपको वो दिखाया था ओके मोहसिन थैंक यू सो मच बाय जो पहली गाड़ी वहाँ पे खड़ी है दैट्स मोहसिन इकराम के बारे में मैं ये भी बता दूं कि उन्होंने मुझे कहा था कि जो भी आपको क्लासिक कार्स का विंटेज कार्स की ये पहचान है कि वो अपने ज़माने के अमीरों के लिए बनी है लेकिन अब
वो मैं खत्म हो गया वो चक्कर जो है ना। अच्छा, अपने जमाने के गरीबों के लिए तो ये भी नहीं बनी होगी, लगता तो नहीं है। तो ये दूसरी तरह अगेन जैगुआर टाइप अपने जमाने के अमीरों के लिए बनी हुई है ये, देखिए जी। ओके, 1935 शेवले और ये जैगुआर ई टाइप। लुक एट द शेप ऑफ द जैगुआर, देखे तो जरा द विलिस जीप। ओके, ट्रायम्फ TR4 एक आपको वाइट नजर आई थी वहां पे ना, एक साइड बैटरी। ओके, दिस इज अ ट्रायम्फ अगेन, वेरी ब्यूटीफुल TR4। ये 1955 की थंडरबर्ड है, थंडरबर्ड 1955, बड़ा फेमस गाड़ी है वर्ल्ड ओवर, ब्यूटीफुल। एंड दिस इज द वोक्सवैगन एंड द ऑरेंज कलर वोक्सवैगन इज सो क्यूट, वेरी ब्यूटीफुल कंडीशन। हां, ये ऑरेंज बहुत प्यारी है। दिस अगेन 74 की है, जरा नई है। This again is a Thunderbird. A Thunderbird. बिल्कुल. बिल्कुल. And look at the color of this one. This is a Rolls Royce. 1957. Salim Bhatt साहब की. ये सारी गाड़ियाँ Salim Bhatt साहब की थी. Okay. And again, this is a royal car. बहुत प्यारी है. उसका उसका paint का color. जी जी बिल्कुल. The shade. बिल्कुल. देखने से ताल्लुक रखता है. बहुत प्यारी है. Excellent. So. और कोई ओनर्स वगैरह हैं कार्स के, इनसे बात हो जाए। जी जी बिल्कुल, आपकी बात कराते हैं। तो जी, ये मोहसिन को लोगों ने घेरा हुआ है, मोहसिन इकराम साहब, जिन्होंने फातिमा जिना की दो गाड़ियों को दोबारा बनाया है। वो ख़त्म हो गई थी। मेरा तो ये अपना यूट्यूब का चैनल है, मगर मैं इस वक्त डॉन अखबार की तरफ से आई हुई हूँ। आपकी कोई गाड़ियाँ हैं इधर? नहीं, गाड़ी नहीं है, मैं तो गुजरा हूँ, पता लगा नुमाइश है तो बड़ी। अरे हाँ भाई, नुमाइश है, देखने की जबरदस्त। कैसी लग रही है आपको? बहुत अच्छी, बहुत। सर अपना नाम तो बताएं। मेहताब अब्बासी नाम है। अच्छा, तो आपके पास है कोई ऐसी कोई गाड़ी पुरानी? नहीं, इतनी पुरानी तो नहीं है, ये तो कभी देखी भी नहीं थी, जिस पे कैद आजम बैठे हैं और मोहसिन भाई देखे, मोहसिन भाई जो लेके आए। हाँ, तो आपको कभी अब शौक चढ़ा है कि कभी मैं जमा करूं कोई पुरानी पुरानी चीज की कदर है? हाँ, कि कोई छकड़ा मिले उसको मैं दोबारा से बनाऊं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। लेकिन उसके लिए पैसे भी अच्छे खासे होने चाहिए। पैसे तो होने चाहिए ना, ये तो इनसे पूछे ना, जब पैसे उड़ा चुके हैं गाड़ियाँ ठीक करने के चक्कर में, पहले पैसे उड़ा देते हैं फिर सोचते हैं अब क्या होगा। देखिए, अगर उड़ाए हैं तो इसका मतलब पर है उसके, तो वापस आ जाते हैं। ये अच्छी बात है, आपकी नीयत बहुत अच्छी है। इसमें कितने लगाए होंगे आप? इसमें कोई पैसे नहीं लगाए, मैंने खरीदी थी, खाली खरीदी थी। कितने में आई थी? ये चीज़ें ऑनलाइन हम नहीं। अच्छा, हाँ नहीं, वैसे मोहसिन इकराम की नीयत इतनी अच्छी है कि अल्लाह मियाँ खुद ही इनके पैसे जो डूबते हैं वापस आ जाते हैं। वही गाड़ी चल बनाने में मुझे तो डूबते ही नजर आ रहे हैं ना। और ये कह रहे हैं कि चार साल में इसकी प्राइस जो है कम अज़ कम 400% बढ़ी है। ओके, 400%, ये भी नहीं कि 100% बढ़ी है, 400। अच्छा, ये गाड़ी किसी गाड़ी के अंदर छाबड़ा साहब अंदर बैठे हुए हैं, मैं ज़रा उनको ढूंढती हूँ। अस्सलामु अलैकुम, हाउ आर यू? माय वाइफ। हाय भाई, गर्मी नहीं लग रही? बड़े मज़े से आए हुए हैं आप लोग। मज़े से और ऐसे बिल्कुल लग रहा है जैसे ड्राइंग रूम में बैठे हैं। अपनी गाड़ी के बारे में तो कुछ बताएं मुझे। हॉपमोबाइल है, 1929 की। आप लोग भी नहीं थे दुनिया में? नहीं, मैं तो, आपके अब्बू भी नहीं होंगे? मैं तो था। आप 29 में कहाँ पैदा हुए? अच्छा, मेरा दूसरा जन्म है। अच्छा अच्छा, हाँ दूसरा जन्म है। अच्छा जी, तो ये देखे, ये देखे, ये देखे, वाओ, थैंक यू जी। अच्छा जी, और कुछ? बेटे को मिस कर रही है बेटा? हाँ, वो कहाँ है भाई? वो अभी आएगा थोड़ी देर में। अच्छा, वो आएगा। उनका बर्थडे है भाई। अच्छा, और ये वो उस बेचारे का एग्जाम था, उसको लेके नहीं जा रहे थे ये। रिलीज पे ना, तो कहते थे इसका बाप कितना, और इतना आर्टिकल दिखाया उन्होंने कि इस फादर इज सच रूड कि अगर इसने परफॉर्म नहीं किया तो मैं गाड़ी वापस ले दूंगा। सब जो ऑफिस पर बात की इन्होंने सारी, वो मासूम बच्चा यार, वो तो बच्चा है, वो आज भी मासूम है। अच्छा, तो ये है, आपने बताया इसलिए इसका हॉर्न है दैट? नहीं नहीं, वो तो वो उसका वो एम्बलम बना हुआ है। क्या है ये एम्बलम? अच्छा, स्पिरिट ऑफ। अच्छा, आई वाज थिंकिंग पता नहीं कोई हॉर्न शॉन बचता है ये। और ये तो आपकी सिल्वर घोस्ट, तो वो दिख रही है इधर से, ठीक। Silver ghost and this is Hummer. Okay, you talking about this? Yeah. ये hunting light है. अच्छा, इसके अंदर wire है. You can open it. Wire ऐसी आप खींच जाएगी और आप light यूं घुमा सकते हैं. Okay. You can take the light in your hand. Oh wow. Yeah. चलो okay, छानो साहब, आपने बस बोलो my better half बोला, आपने नाम नहीं बताया. रुमाना. रुमाना जी, nice to meet you. आप तंग नहीं आती इनके शौक से? बेटे के शौक से, बाप के शौक से, आपको भी पसंद है ये सब कुछ? ठीक है, चले फिर तो ठीक है। यू आर वेलकम, थैंक यू।